गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल लर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स cost of borrowing funds through various sources of finance। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है? हम लोग जो फंड्स बोरो करते हैं इन्वेस्टर से, राइट, आइदर वी इशू शेयर्स। शेयर्स में भी दो टाइप का शेयर होता है, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। और हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं। नाउ व्हेन एवर यू इशू डिबेंचर्स, एवरी ईयर यू हैव टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स को भी आपको डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर को आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? इफ यू डोंट गिव एनी रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर, देन व्हाट विल हैपन? योर एक्सपेक्टेशन, देयर एक्सपेक्टेशन, यू विल नॉट मीट। और अगर आप किसी को, इक्विटी शेयर होल्डर को, ये सही है कि जब प्रॉफिट होगा तो ही अपने को देना है, बट उनको कुछ वादा करके आपने पैसा लिया है ना उनसे, यू हैव मेड देम सम प्रॉमिस एंड अकॉर्डिंगली they have given you the funds, right? So in case of equity shares, even if there is no mandatory obligation, but still there are some promise made, so you have to fulfill that promise. If you won't fulfill that promise, then what will happen? koi bhi investment karne ke liye taiyar nahi hoga, ya jo logon ne investment kiya hai sabhi koi apna stock exchange jaake sabhi koi apna liquidate karne ka koshish karenge ki bhaiya mera share bik jaye, mera paisa aa jaye, बहुत बढ़िया होगा उसके लिए, राइट? सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप कोई भी सोर्सेस से पैसा उठाइए, राइट, उसका एक कॉस्ट होता है। पैसा फ्री का नहीं मिलता। इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी हैव सीन, मनी हैज टाइम वैल्यू। आप बैंक में पैसा रखते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप किसी से लोन लेते तो आपसे इंटरेस्ट लेता है, राइट? So everywhere you can see that money has time value. So whatever source of finance you use, right? आपको business करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? Investor के पास में। तो आपको कोई भी sources of finance आप use कर सकते हैं। आप bank loan ले सकते हैं, आप debenture issue कर सकते हैं, आप equity share issue कर सकते हैं, preference, कोई भी source issue करिएगा, हर एक source का एक cost होता है, राइट? सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स टू वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड? कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग फंड्स थ्रू different sources, cost involved in raising funds through different sources. Just say if I talk about debentures, annual interest payments, इसके अलावा फ्लोटेशन कॉस्ट, इसके अलावा होता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट।
ठीक है। राइट ऐसा हो सकता है कि हम लोग डिवेंचर इश्यू सस्ता में करें, ये हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंटिंग एंट्री देखा है। शेयर्स तो आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, बट देयर माइट बी अ केस दैट यू माइट इशू डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव। राइट, तो हम लोग को सालाना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? आज हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं तो वी माइट बी इश्यूइंग इट थ्रू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर कौन लोग होता है? अंडरराइटर वो आदमी है जिनके पास में पूंजीपति लोगों का जान पहचान है। छोटा छोटा आदमी से बात नहीं करता, बड़ा बड़ा आदमी उसका ध्यान रखता है। सो इन दैट केस यू माइट हैव टू पे देम सम काइंड ऑफ कमीशन, और देर माइट बी सम काइंड ऑफ इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। राइट, तो उसको अपन फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये इशू के टाइम पे लगता है। फर्दर ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपना सिक्योरिटी डिस्काउंट में इशू किया हो इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव, ये भी हमारा खर्चा है। सो अकाउंटिंग एंट्री में हम लोग देखें कि इस खर्चे को अपने ओवर द ईयर स्प्रेड कर देते हैं, जितना भी लाइफ ऑफ डिवेंचर है हम लोग उसको स्प्रेड कर देते हैं। फर्दर देयर माइट बी अ केस कि हम लोग अपना डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम में कर रहे हैं। राइट, सो अकाउंटिंग एंट्री अपने इस तरीके से करते हैं जिससे कि दीज थ्री कॉस्ट इज यूजुअली रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। राइट, अपने बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जितना रुपया आया, नेट प्रोसीड्स बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स वी हैव कलेक्टेड। सो दैट नेट प्रोसीड इज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन। ये भी तो पैसा नहीं है तो खर्चा हो गया ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर लाइबिलिटी अपने फेस वैल्यू दिखाते हैं, डिफरेंस हमारा डिस्काउंट एंड इशू में चला जाता है। फिर एडिशनल एंट्री करते हैं अगर अपने को ज्यादा चुकाना है तो, वो लॉस भी अपन शुरू में ही बुक कर लेते हैं एज पर प्रूडेंस। राइट, सो अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त देखें हम लोग कि जो हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ये हमको मालूम चल जाता है, उसको हम लोग एनुअल राइट ऑफ करते हैं ओवर द बॉन्ड ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, और प्लस एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट तो होता ही है। सो ये हमारा डिबेंचर से रिलेटेड कॉस्ट है। उसी तरीके से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स, हाँ प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते वक्त भी फ्लोटेशन कॉस्ट लग सकता है। हाँ, नाउ यूजुअली प्रेफरेंस शेयर में डिस्काउंट होता नहीं है क्योंकि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट थ्योरिटिकल में और रियल लाइफ में जो हमारा एग्जामिनेशन टेस्टिंग पैटर्न है, आई एम बिट श्योर कि इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं आपको एग्जाम में, बट फिर भी अगर देता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट करते हैं सेम वैसे यहाँ कर लीजिएगा। तो मैं डिस्काउंट नहीं छू, मैं ये गलती नहीं करूंगा, आई वॉन्ट राइट इट, लेकिन प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ये भी हो सकता है, ज्यादा चुका सकते हैं ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। इरिडीमेबल आप इशू करेंगे तो कोई नहीं लेगा, इरिडीमेबल तो जस्ट लाइक इक्विटी शेयर हो गया ना। राइट, इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स,
राइट, डिविडेंड है रोटेशन कॉस्ट है, क्लियर। कई बार रिटेन्ड अर्निंग को भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस में यूज करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है पहले का, आपने उसको डिविडेंड नहीं बांटा। डिविडेंड नहीं बांटा मतलब आपने प्लॉ बैक कर लिया, उसी पैसे से आपने अपना फर्दर एक्सपेंशन प्लान कर लिया। हालांकि हमारे पास जो भी रिटेन्ड अर्निंग है दैट इट सेल्फ वोंट बी सफिशियंट एनफ टू फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन, थोड़ा बहुत तो फंडिंग हो सकता है ना, बाकी का हम लोग बैंक लोन ले लेंगे या फर्दर इश्यू कर लेंगे, बट कुछ देर तक अपने रिटेन अर्निंग यूज करेंगे। तो इसका एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कोई मॉनिटरी आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे डिबेंचर में अपन को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर में हर साल डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, वादा तो किया है ना, बट रिटेन अर्निंग में ऐसा नहीं होता है कि आपको हर साल यूज करने का कुछ एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं है, इन सब में एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व है। बट यहां पे एक्सप्लिसिट कुछ नहीं है, इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसा मांगने का नहीं है, इस पैसे को कहीं और लगाते कुछ तो कमाते। तो जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, ये कॉस्ट को निकालना है अपने को, इस चैप्टर में अपने को यही सीखना है हाउ टू मेजर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड जनरली इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। सो स्टेप वन, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आइडेंटिफाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू ईच इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जितना भी सोर्स आप यूज करें, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, सबका अलग अलग कॉस्ट निकालिए आप पहले। उसके बाद कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल का क्या कॉस्ट है, टोटल फंड्स रेज्ड। इसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको के नीचे ओ, इसका एब्रीविएशन है ये, ऑब्लिक WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है। तो अपने स्टेप नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, 2 मैंने बता दिया, 3 हम लोग सीखेंगे, 4 हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेप 4 करवाऊंगा। कैसे? देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कंपनी रेस्ट 10 लैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट परसेंटेज में दे दिया, ठीक है। डिवेंचर्स का शॉर्ट में होता है केडी, इसका होता है शॉर्ट में केपी, इसका होता है केई, इसका होता है केआर। जिसका 10%, 12, 20 इसका क्वेश्चन मार्क अमाउंट। दो लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख हो गया ना। हम लोग को बोला है कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये बहुत सिंपल है, पहले यहां क्या बोला है, व्हाट इज के आर, कुछ नहीं बोला है। तो जो इक्विटी का कॉस्ट है वही रिटेन अर्निंग का कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ दिस ओनली। अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? तो जो वादा तुमने इक्विटी शेयर होल्डर को किया, उसी स्पीड से तुमको इस रुपया पे भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा एक चीज याद रखना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर अर्निंग, इट इज हाउ मच यू आर बिल्डिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। वेल्थ आप कैसे बढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो रिटेन अर्निंग के लिए भी वही कॉस्ट होगा जो हमारा इक्विटी शेयर का है। अभी मान लो अगर पूरा 10 लाख डिबेंचर से होता, इफ एंटायर 10 लाख इज थ्रू डिबेंचर्स, देन द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर विल बी माई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। इफ फुल 10 लाख इज फ्रॉम डिबेंचर, देन व्हाट विल हैपन? डिबेंचर का कॉस्ट 10%, सो टोटल कॉस्ट भी 10% आएगा। बट दिस इज नॉट द केस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज वेट ऑफ डेब्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ रिटर्न अर्निंग इनटू कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग।
ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? सोर्सेस, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेंड अर्निंग्स, अमाउंट, दो लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल 10 लाख। वेट निकालना है, सबका इंडिविजुअल वेट आएगा। 10 लाख में तुम्हारा वेट 2 लाख है, तो 0.20 वेट आ गया, 20% वेट। टोटल कैपिटल में इंडिविजुअल सोर्सेस का वेट क्या है? इसका 0.5, 0.2, 0.1। सम ऑफ द वेट इज 1। कॉस्ट परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया, ये हम लोग निकाला है, बट इसको निकालना हम लोग सीखेंगे आज। अ वेट इनटू कॉस्ट, पॉइंट टू इंटू 10 इज 2, 6, 4, 2। पॉइंट टू इंटू 10 इज 2, 0.5 इंटू 12 इज 6, 0.2 इंटू 20 इज 4, 0.1 इंटू 20 इज 2। एट फोर टू, 268, 412, 214। तो 10 लाख का टोटल कॉस्ट 14% है। 10 लाख का टोटल कॉस्ट इज 14%। दूसरा तरीका क्या है? कॉस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू कॉस्ट परसेंटेज। दो लाख का 10%, 20,000। 5 लाख का 12%, 60,000। 40,000, 20,000, 1,40,000,
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। राइट नाउ, इरिडीमेबल डेट जनरली बाजार में बिकता नहीं है, कोई नहीं लेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का मेंटालिटी कैसा होता है, इन्वेस्टर का मेंटालिटी बताता हूं। किसी को सेफ रिटर्न चाहिए, फिक्स रेट से आता रहे, तो वो लोग डिवेंचर में पैसा लगाएगा। डिवेंचर होल्डर्स को ये हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड कल को कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले उनको चुकाया जाएगा, हर साल उनको इंटरेस्ट रिटर्न भी फिक्स मिलेगा। राइट, तो डिबेंचर होल्डर का माइंडसेट क्या होता है कि हमको भैया 4-5 साल इंटरेस्ट कमाना है और वापस से कंपनी मेरे को मैच्योरिटी पैसा दे देगी, जो भी जितना भी हमसे लिए फेस वैल्यू, लेते वक्त हो सकता है डिस्काउंट ली हो बट अपन को पूरा फेस वैल्यू देगी। तो इरिडीमेबल डेब जनरली बाजार में बिकता नहीं है, जो भी बिकता है रिडीमेबल डेब बिकता है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। केडी इक्वल्स टू ना, अलग अलग बुक में आप देखेंगे अलग अलग नोटिफिकेशंस यूज किया गया है, नोटेशंस जो बोलते हैं अपने। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बाई आईपी इन 200, राइट, और यहां पे केडी इक्वल्स टू आई प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2 × 200। ठीक है, वेयर आई इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट, आई पी इक्वल्स टू इश्यू प्रोसीड्स, राइट नाउ इश्यू प्रोसीड्स नेट ऑफ, मैंने बताया था बोलो, फ्लोटेशन कॉस्ट, नेट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम ऑन इशू। ऐसा हो सकता है ना, अपने इशू प्रीमियम में किया हो, ज्यादा पैसा ले लिया क्योंकि मेरे डिमांड, मेरे डिबेंचर का ज्यादा वैल्यू है मार्केट में। रिडेम्पशन प्रोसीड्स मतलब कितना मैं चुकाऊंगा,
नाउ रिडेम्पशन पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, मैंने अभी बताया ना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एन इक्वल्स टू लाइफ ऑफ डिवेंचर्स, एन इक्वल्स टू लाइफ ऑफ डिवेंचर। तो ई रिडीमेबल में मतलब कभी चुकाना ही नहीं है, तो ओनली इंटरेस्ट इज द कॉस्ट। एंड डिनोमिनेटर में आप इश्यू प्रोसीड्स ले रहे हैं, सो दिस इज नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। इधर में आपको चुकाना भी है अलोंग विथ इंटरेस्ट, दिस इज एनुअल राइट ऑफ। आया कितना, चुकाना कितना है, दोनों का डिफरेंस अपने को टोटल लॉस मालूम चल जाएगा, उसको डिवाइड बाय एन किया। अकाउंटिंग एंट्री में तो यही किया है ना अपन, टोटल लॉस पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू और लॉस ऑन लॉस ड्यू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों को ऐड करते हैं, उसको फिर ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर अपन स्प्रेड करते हैं, और डिनोमिनेटर में अपने एवरेज प्राइस ले लिए चुकाने का और जो आया। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ सपोज देर आर टू कंपनीज, ठीक है, कंपनी ए यूज्ड ओनली इक्विटी शेयर, बट कंपनी बी यूज्ड इक्विटी प्लस डिबेंचर एज सोर्सेस, ठीक है। सो ये कंपनी है, ये कंपनी बी, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों का अर्निंग 100 है, ठीक है, सब सेम है, टोटल कैपिटल भी सेम है, यहां टोटल कैपिटल पूरा इक्विटी से है 10 का 10 लाख सपोज, यहां पे जो भी 2 लाख डिबेंचर, 8 लाख इक्विटी, जो भी है सब कुछ सेम, अर्निंग्स वगैरह सब सेम। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, दिस इज
इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने भी 10 लाख डाला, तुमने भी 10 लाख डाला, तुम कहां से पैसा लाए? इन्वेस्टमेंट पूछेगा क्या? इन्वेस्टमेंट से हम लोग दो जन गाछ उगा रहे हैं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन पे, सेम उस पर हार्डवर्क कर रहे हैं। तो मेरा प्लांट जितना बड़ा होगा, तुम्हारा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तुम जैसे जैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग दो ज्योग्राफिकल लोकेशन में होते, क्लाइमेट कंडीशन दोनों का अलग अलग होता, राइट, लैंड का फैक्टर अलग अलग आएगा, तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग सेम जगह बिजनेस कर रहे हैं, सेम कैपिटल है, सेम वर्क फोर्स है, सेम मेहनत है, प्राइसिंग कॉस्टिंग सब सेम है, मुनाफा भी सबका सेम आएगा ऑन टोटल कैपिटल। लेकिन कंपनी बी का 20 रुपीज का एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट है, क्योंकि ये डिवेंचर भी यूज कर रहा है। सो इसमें से हम लोग लेस इंटरेस्ट करेंगे। है ना? तो इसका 100 ही आएगा, इसका 80 आएगा, इसको अपन ईबीटी बोलेंगे। अब टैक्स लेंगे हम लोग 20%। तो नेट प्रॉफिट 80, 64। नाउ यू कैन क्लियरली सी इन केस ऑफ कंपनी बी, देयर इज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आया ना? बट प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग बाई ओनली 16। यहां पे देखेंगे अगर आप, 20 का मेरा ज्यादा खर्चा है, लेकिन प्रॉफिट कम 16 से हुआ। क्यों मालूम है? क्योंकि टैक्स में बचत हुआ है 4 रुपया का। इन केस ऑफ कंपनी बी प्रॉफिट सेम, सब कुछ सेम, देर इज एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बट प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग बाय ओनली 16। दिस इज ड्यू टू टैक्स सेविंग्स ऑफ ₹4 ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट। Therefore, interest cost should be considered net of tax। आपका तो खर्चा बच रहा है ना, एक कॉस्ट के कारण आपका दूसरा कॉस्ट सेव हो जा रहा है। तो जब भी आप इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, आपको नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करना पड़ेगा। इक्वल्स टू ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है। दैट इज आई इंटू वन माइनस टी आई इंटू वन माइनस टी। देखो कैसे आएगा, 20 इंटू वन माइनस 20% मतलब 0.2, कंपनी बी में एडिशनल खर्चा है 20 रुपए का, प्रॉफिट 16 से ही गिर रहा है क्योंकि यहां पे टैक्स सेविंग्स हुआ 4 रुपए का, तो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करेंगे। तो देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 16 आ गया ना, दिस टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज टैक्स शील्ड। इसको हम लोग टैक्स शील्ड बोलते हैं। सो नाउ अगर मैं बात करूं केडी की, सो होगा क्या, के डी इक्वल्स टू आई के साथ वन माइनस टी हो जाएगा, बाकी सब सेम, क्योंकि इंटरेस्ट को टैक्स सेविंग से लिंक करना है। बाकी सेकंड पार्ट इसका वही रहेगा, काफी सारा ग्रेजुएशन बुक्स में आप लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में भी ये लोग वन माइनस टी कर रहा है, मतलब उनका कहने का मतलब है इंटरेस्ट में तो टैक्स सेविंग्स होता ही है, आज जो आप राइट ऑफ कर रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू को और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को, जिसको आप इशू के टाइम पे ही दिखा देते हैं आरपी माइनस आईपी बाई एन, बोला इसके कारण भी टैक्स का सेविंग्स होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है इसको डिसअलाउ कर दे, दे मे नॉट कंसिडर दिस एक्सपेंस, राइट। सो आई एम नॉट डूइंग वन माइनस टी इन द सेकेंड पार्ट, मैं नहीं कर रहा, आई एम अज्यूमिंग कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको खर्चा नहीं मानता है, दिस सेकेंड पार्ट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, नॉट टैक्स डिडक्टिबल, नो सेविंग्स, ये सेकेंड पार्ट में सेविंग्स नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ना है, आई खोजना है, टी खोजना है, एन सॉरी एनपी नहीं आईपी होगा, आई जस्ट वो डिफरेंट बुक्स देखने से आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा, इश्यू प्रोसीड्स, ठीक है। तो आई खोजना है, आईपी खोजना है,
आरपी खोजना है, एन खोजना है, टी खोजना है, बस। अब आपको बोलेगा 500 डिबेंचर इशू किया है मैंने, तो 500 डिबेंचर का भी वही आंसर आएगा, एक डिबेंचर का करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपन परसेंटेज टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन पूरा लेके भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 5,000 डिबेंचर इशू किया, तो 5,000 डिबेंचर का इंटरेस्ट, 5,000 डिबेंचर का आईपी, 5,000 डिबेंचर का आरपी, या आप एक डिबेंचर का करेंगे जो परसेंटेज आएगा वही पूरे लॉट का होगा, राइट। चलिए, सो ये आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। दो कंपनी सिमिलर इन साइज, एवरीथिंग सेम, प्रॉफिट सेम, बट इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि डिबेंचर यूज किया है इसने, तो माइनस करने से टैक्स कम कट रहा है इसका, इंटरेस्ट है ना, तो 20 का खर्चा है बट टैक्स कम कट रहा है, मतलब टैक्स सेविंग्स हो रहा है, सो अल्टीमेटली प्रॉफिट इसका 20 से नहीं गिर रहा है। आज तुम्हारे में अगर कोई खर्चा है तो तुम्हारा प्रॉफिट उतने से गिरना चाहिए, बट कम से गिर रहा है, इसका मतलब सेविंग्स हो रहा है ना। तो अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स लेंगे, तो 1 माइनस टी मतलब ही हो गया नेट ऑफ टैक्स। दिस पोर्शन मींस नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। आइए, कंपनी इश्यूड वन थाउजेंड फोर्टीन परसेंट इरिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, टैक्स रेट 50, कैलकुलेट KD। राइट, नाउ ऑब्वियसली हम लोग सब आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिफोर टैक्स वाला नहीं करेंगे, ये वाला तो समझाने के लिए बताया था, बट अल्टीमेटली ये वाला नीचे वाला यूज करना है, ठीक है ना। सो इरिडीमेबल है, सो KD इज I इंटू 1 माइनस टी बाई IP इंटू 100, दैट्स इट। I इज इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा ना, दिस इज द फेस वैल्यू, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
100 का 14%। आप चाहें तो आप ओवरऑल कर सकते हैं, तो इनटू अगर मैं 1000 करूंगा तो कितना आएगा? फोर्टीन थाउजेंड आएगा। टी 0.5, है ना? आईपी 50% को 0.5 लिख दिया। 1000 डिबेंचर है, 100 रुपये में इशू किया है, 1 लाख। फाइव परसेंट ऑफ 1 लाख डिस्काउंट में है, बैठा दो 14,000, 1 माइनस 0.50 बाई 93,000 इंटू 100। टू डेसिमल प्लेस तक लेंगे। सेवन पॉइंट ठीक है, कंपनी इशूड 1000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स
एट 5% प्रीमियम। तो शुरू में मालूम चल गया ना कितना में रिडेम्पशन होगा, तो उसी समय लॉस बुक कर देंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, टैक्स रेट 50, कैलकुलेट केडी। ना जाहिर सी बात है ये रिडीमेबल डिबेंचर है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है, सो इट इज आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आई पी बाई टू होल इन 200। आई इज इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पे होगा, 8% है, हंड्रेड का 8% और 1000 डिबेंचर है, कितना है 8000। एन 10 ईयर्स, एकदम सिंपल है। टैक्स रेट इन डेसिमल ले लेंगे हम लोग, 50% मतलब 50/100। इश्यू के टाइम पे कितना आया, 1000 × 100, 1 लाख। फोर परसेंट ऑफ 1 लाख, आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर फ्लोटेशन हाउ मच, 94,000। फेस वैल्यू तो चुकाना ही है, प्लस 5% ऑफ 1 लाख,
8,000 इंटू 1 माइनस 0.5 प्लस 1,05,000 माइनस बाई 10 तो ये तो 4,000 आएगा एंड दिस इज 1,100। 1,05,000 माइनस 94 इज 11,000। वन लैख फाइव प्लस 94,000 कितना होता है? 1 लाख, 1,99,000 होता है ना, सो दिस इज 99,500, सो दिस इज 5,100 बाई कितना आ रहा है? 5 पॉइंट, ठीक है। ओके बाय।